सीधे आपको ले चलते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव हो रही है, सरकार का पक्ष सुनते हैं। सरकार की ओर से माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी, भारत सरकार के अधिकारीगण सभी सम्मिलित हुए और किसान यूनियन के साथ वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। तीनों, जिसमें दो नए एक संशोधित है, उनके बारे में चर्चा हुई और आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और हमारे मंत्री जी ने विस्तार से उस एक्ट को सभी यूनियन के साथ रखा, सामने रखा और उनकी जो शंकाएं उनको समाधान करने की कोशिश की। लेकिन चर्चा निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाई और उसके बाद यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया कि 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे पुनः चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं, सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। जहाँ तक सरकार की समझ का सवाल है, सरकार ने विभिन्न दौरों में किसान यूनियन की जो बातचीत हुई है उसमें बहुत सारी उनकी जो शंकाएं हैं उनको पहचान किया है और उन शंकाओं को दूर करने के लिए अपना मत भी व्यक्त किया है और यूनियंस को लिखित प्रस्ताव भी सरकार की ओर से दिया गया है। लेकिन वो प्रस्ताव उन लोगों को मंजूर नहीं था, इसके कारण वार्ता चल रही है और हमारी कोशिश है कि वार्ता के माध्यम से रास्ता निकले और किसान आंदोलन समाप्त हो। किसान सर्दी में बैठे हुए हैं, कोविड का भी संकट है और इसके कारण सरकार को निश्चित रूप से इस बात की चिंता है और इसलिए सरकार खुले मन से और बड़प्पन से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि संभवतः हम समाधान की ओर बढ़ सकें। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट के प्रति हम सब की प्रतिबद्धता है और आने वाले कल में भी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का भारत सरकार स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी मध्यस्थता के लिए और सुनने के लिए बनाई है, वह कमेटी जब भारत सरकार को बुलाएगी तो हम उस कमेटी के समक्ष भी अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे और अपनी बात निश्चित रूप से रखेंगे। लेकिन किसान चूंकि सरकार से वार्तारत थे और इसलिए आज की तारीख तय थी, तो हम लोगों ने किसान यूनियन को पूछा, उन्होंने कहा हम वार्ता के लिए आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप जरूर आइए। स्वाभाविक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वह कमेटी भी समाधान ढूंढने के लिए है और चर्चा में अनेक स्थानों पर चर्चा होती है, तो हो सकता है किसी चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल सके। इसलिए भारत सरकार ने किसानों से आज पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं और आगे भी चर्चा को हम जारी रखना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने 29 तारीख दी
हमने उस पर अपनी रजामंदी दी। सर कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि आंदोलन में हमें कुछ अलगाववादी, क्या मीटिंग में भी ये बात उठती है कि इस तरह से संगठनों के बीच में ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अलगाववादी हैं या जो नहीं चाहते हैं कि कभी बनी रहे, बिगाड़ी जाए या इस्तेमाल किया जाए आंदोलन का? हमारी जानकारी के अनुसार कृषि सुधार बिलों के बारे में 2-3 राज्यों के किसान आंदोलित हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। उन किसानों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ किसान यूनियन सरकार के साथ वार्ता में हैं। सरकार उनको किसानों का प्रतिनिधि मानकर ही वार्ता कर रही है, इसके अतिरिक्त हमने और कुछ सोचा नहीं। सड़क पर भी विरोध हो रहा है, राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, राजभवन तक आ गए थे, कह रहे थे कि सरकार जो है वो किसानों की अनदेखी नहीं कर रही है बल्कि उसे खत्म करने की साजिश कर रही है। राहुल गांधी के बयान पर और राहुल गांधी के कृत्य पर पूरी कांग्रेस सिर्फ हंसती है और उनका उपहास उड़ाती है। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को कहना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये रिफॉर्म वो करेंगे यह वायदा उन्होंने लिखित में किया था। अगर उनको याद ना हो तो वो अपना मैनिफेस्टो उठाकर दोबारा से पढ़ लें। अगर उस मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख है तो राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी को इसी प्रकार से भारत की प्रेस के सामने आना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि वो उस समय झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार ने फिर से एक बार बात करके हल निकालने की कोशिश की है, लेकिन दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि 19 तारीख को अगली बैठक होगी। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कृषि मंत्री ने कही है कि एक अनौपचारिक समूह अगर किसान चाहते हैं तो वो जरूर बना ले जो ठीक तरीके से कृषि कानूनों पर बात कर सके। तो क्या संदेश देना चाहते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ये आप खुद समझिए।